Hello everybody, today we will discuss about the drawback of Ruby Laser. ये Ruby Laser के बारे में मैं already previous clip में बता चुका हूँ. इसके चार main defects हैं जो कि इसको Ruby Laser को अच्छा नहीं होने के वजह से, मतलब जो Ruby Laser है वो इम्परफेक्ट इसलिए है क्योंकि इसके चार डिफेक्ट्स हैं, जिसमें से आप पहला देखेंगे हाई पंपिंग एक्शन. पंपिंग एक्शन क्या होता है बेसिकली, कि एटम्स हैं उसको हम जंप कराते हैं. इसमें आप अगर देखें तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड है. इसमें क्रोमियम जो है ये जंप करता है, ये तीन लेवल होते हैं जैसे मैं बताया आपको, 1, 2, 3. दिस इज पंपिंग एक्शन. में क्या होता है कि यहाँ से अगर आप देखें एटम जो है जंप अगर करेंगे यहाँ से ऊपर पहुँचाने के लिए, इट रिक्वायर्ड थाउजेंड्स ऑफ जूल्स. यहाँ से क्रोमियम एटम का जो है ग्राउंड स्टेट से E2 लेवल का, मतलब E1 इज दिस वन, मेटास्टेबल स्टेट इज E2 एंड E3 तक पहुँचाने के लिए क्रोमियम एटम को जो ऊपर पहुँचाने के लिए बहुत ज़्यादा जूल्स की ज़रूरत पड़ती है, थाउजेंड जूल्स, जिसमें से मुश्किल से फ्यू जूल्स आर पंपिंग के लिए हम इतना करते हैं. ज़्यादातर जो Ruby Laser है, अगर आप उसे देखें डायग्राम के थ्रू अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मैं कॉपी में दिखाता हूँ, क्योंकि उसमें अलग अलग कलर की है. यहाँ आप देखेंगे Ruby Laser है, अलग अलग कलर से दिखा रखा है तो आइडेंटिफिकेशन के लिए इजी होता है. आप देखेंगे ये जो Ruby Laser को हीट अप करते हैं तो ये इतना ज़्यादा जो रेजोनेटर है इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है, इतनी ज़्यादा हीट निकालता है कि इसे कूलिंग करना पड़ता है. यानी कि इतना ज़्यादा हीट अप करने से ये कूलिंग जो है हमें चाहिए होता है, यानी कि वाटर एक साइड से जाता है दूसरी साइड से वाटर आता है और ये जो है कूलिंग एक्शन इसमें ज़रूरत पड़ती है. दूसरा स्लो एफिशिएंसी, ये इतना एफिशिएंट नहीं है क्योंकि एनर्जी काफ़ी यूज हो रही है और लेस एनर्जी हमको आउटपुट मिल रही है तो एफिशिएंसी इसकी बहुत लेस होती है. आजकल अगर आप देखेंगे नए से नए लेज़र आ रहे हैं जो कि ये पुराना भी लेज़र है तो इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है, इसकी एफिशिएंसी बहुत कम रहती है. थर्ड, इट इज़ नॉट कंटिन्यूस, ये कंटिन्यूस नहीं देता है, मगर अगर आप नेकेड आई से देखें तो कंटिन्यूसली लगेगा जस्ट लाइक, मगर माइक्रो सेकेंड में ये पल्स देता है, यानी एक पल्स गई दूसरी पल्स गई तीसरी पल्स गई एंड सो ऑन इट्स गोस लाइक दैट. मतलब हम अगर नेकेड आई से देखेंगे तो हमको लगेगा कंटिन्यूसली पल्स आ रही है, मगर रियलिटी में ऐसा नहीं होता. फिर चौथा पॉइंट इसका है, इट्स हैविंग डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन. जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो जैसे Ruby Laser रहता है जिसमें अगर आप स्ट्रक्चर फिर से देखें, इसमें मैंने स्ट्रक्चर देखेंगे आप तो ये जो बनी है Ruby Laser, ये अंदर जो रेजोनेटर जो है ब्लू रंग का है और ये ऊपर जो है फ्लैश लाइट बनी है, ये अलग कलर से बनी है इसीलिए मैं इसमें दिखा रहा हूँ. इसमें अगर आप देखेंगे जो अगर इसको देखें तो रेजोनेटर जो है फ्लैश लाइट से फ्लैशिंग से क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन ज़ीनॉन हेलिकल ज़ीनॉन रहते हैं. हेलिकल में आप इस तरीके से कह सकते हैं जैसे कि आप देखते हैं हेलिकल, मैं बता रहा था हेलिकल ऐसा होता है जैसे स्प्रिंग लाइक दिस. तो ज़ीनॉन जो है आप देखेंगे यहाँ पर मैंने जो अभी दिखाया कॉपी में, ये ज़ीनॉन इस तरीके से हेलिकल ज़ीनॉन रहता है जिससे फ्लैश लगता है और क्रोमियम एटम जो है अप करते हैं, क्योंकि क्रोमियम एटम और सोडियम एटम कंपेरेबल होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली ऑफ सेम साइज. तो जो क्रिस्टल बना होता है इट इज इम्परफेक्ट, दैट मीन्स दिस इज द डिफेक्ट इज फॉर्म ड्यू टू द क्रिस्टलाइन इम्परफेक्शन, दैट्स कॉल्ड. और इम्परफेक्शन क्रिस्टलाइन की वजह से जो पल्स जनरेट होती है वो भी सही नहीं आता, इसलिए डिफेक्ट्स आते हैं. तो ये इसके मेन डिफेक्ट्स हैं, जो ड्रॉबैक्स हैं Ruby Laser के, और इसके एप्लीकेशन भी हम इसी में पढ़ेंगे. एप्लीकेशन जो है Ruby Laser के काफ़ी सारे हैं, जिसमें अगर आप देखें
इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जो क्योंकि एक्सपेरिमेंट हमें कुछ ज़्यादा महंगे ज़रूरत नहीं पड़ता ही, तो उस कंडीशन पे आप देखेंगे रूबी लेज़र जो है काफ़ी यूज़ आती है, क्योंकि सस्ती पड़ती है। आजकल जो मॉडर्नाइज्ड लेज़र आ रही है वो महंगी है, ये सस्ती रहती है। सोल्डरिंग और वेल्डिंग के काम आते हैं। सोल्डरिंग मीन्स भाई सोल्डर किया आपने, जैसे आप कहीं वेल्डिंग कर रहे हैं यानी मेटल को जोड़ रहे हैं, तो उस तरीके से सोल्डर वेल्डिंग के काम आती है ये। इट इज़ ब्रिटल, दैट मीन्स इट इज़ ऑल्सो यूज इन ड्रिलिंग, ड्रिलिंग के भी काम आती है। ड्रिलिंग आपने करा है किसी उसमें ब्रिटल क्रिस्टल्स में उसमें, एंड इट यूज इन टेस्टिंग द मटीरियल। मटीरियल्स जो है, अगर सपोज ये मेरा जो है सपोज स्टोन है और इसमें डिफेक्ट है, तो मैं लेज़र से चेक करूँगा तो इसमें पता चल जाएगा कि इसमें डिफेक्ट्स है नहीं है, तो उससे पता चलता है। दूसरा, इट्स यू कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो यूज एज इंफेरोमीटर में यूज आता है, होलोग्राफी में काम आते हैं। होलोग्राफी आजकल आपने देखा होगा, होलोग्राफी में हम यूज़ करते हैं, होलोग्राफी में काफ़ी आ जाता है और इंफेरोमीटर में काम आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन डिटेक्टिंग द रेटिना। इट्स ऑल्सो यूज इन मेडिकल, मेडिकल में जैसे मोतिया बिंद जाता है तो उसे कट करने के लिए जो काम आती है लेज़र, वो भी इसी में ही काम, रूबी लेज़र ही यूज़ करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो यूज इन डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, डिटेक्टिंग द प्लेन्स एंड रेंजिंग हाउ मच दे आर डिस्टेंस, यानी प्लेन अगर चल रहा है तो डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई यहाँ प्लेन है। और आजकल आपने देखा होगा कि चेक करते हैं भाई फाइटर प्लेन्स की हमारे एरिया में नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं, तो उसमें भी ये यूज़ आती है, क्योंकि सस्ती होती है और मतलब एक ये कह सकते हैं सस्ती तो होती है और आराम से मिल जाती है, इट इज़ ईजिली अवेलेबल, इसलिए रूबी लेज़र को यूज़ किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें, जिससे कि उन्हें मेरे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और स्ट्रॉन्ग फिजिक्स रहे, ये ज़्यादा स्टूडेंट के लिए, उन स्टूडेंट के लिए मैं बनाता हूँ क्लिप जो कि वीक हैं, फिजिक्स वीक है, अच्छे टीचर ना होने की वजह से जो है उनका वीक फिजिक्स हो गया है, अच्छी बुक्स ना होने के, इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ कि वो पढ़ें और अपना स्ट्रॉन्ग फिजिक्स बनाएं, जिससे कि वर्ल्ड में अच्छा पोजीशन ग्राफ्स कर पाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।